कि सितंबर इनटेक हुण बच्चों वास्ते खुला कॉलेजेस च जगह हैगी है बच्चों के एडमिशन लैण वास्ते। 10 तो 12 कॉलेजेस इस तरह के जिन्हों के पर्टिकुलर 2-4 कोर्स फेमस है जिन्हों में जनवरी 2022 दी फुल है। फिलहाल की घड़ी सितंबर 2021 की गल करो सीटा मिलदी पई है, हाले भी स्टूडेंट जिहड़ा सितंबर 2021 दी ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं। मार्केट दे विच देखिए तो इश्तहार यही चलते पे ने कि सितंबर इनटेक वास्ते जिन्हें आना आ जाओ, 1.5 आ जाओ, असीं तुहानूं सितंबर इनटेक बाहर भेजांगे। ऐड जिहड़ी हुंदी है या यूके जिहड़ी ऐड हुंदी है सिर्फ क्लाइंट नूं बुलाउण तक दी ऐड है। हकीकत दे विच कोई 2.5-3 लाख ही कैनेडा नहीं जाया जा सकता। अज अगर कोई बच्चा सितंबर 2021 दी दौड़ विच अप्लाई करता भी हैगा तो सितंबर 2021 लई जा नहीं पाएगा क्योंकि हाई कमीशन का प्रोसैसिंग टाइम वध गया। जो हाई कमीशन वीज़ा 20 दिन ही देता सी, अज वो हाई कमीशन वीज़ा 3-3 महीने ही दे रहा है। तो बच्चों नूं समझना पेगा सितंबर 2021 दी दौड़ दे विच इह ना होवे कि गलत किसी एजेंट दे धक्के चढ़ जाए। बच्चा सिर्फ और सिर्फ एजेंट को जाके एक ही सवाल पूछता है कि मेरे कॉलेज को DLI है। DLI दे मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि कॉलेज पब्लिक है कि प्राइवेट है। वो पब्लिक प्राइवेट दे विच कशमकश भी बच्चा फस जाता है। जनवरी 2022 दे वास्ते सीटा हैगियां कॉलेज सारे खुले ने कि उत्थे भी रश पूरा पिया होया इस समय? नहीं देखो, इस समय जनवरी 2022 दियां ऑलमोस्ट सारे कॉलेज ओपन है। जनवरी 2022 दियां एडमिशन होनियां शुरू हो गईयां। सानू घट तो घट 40-50 ऑफर लेटर्स हुण तक आ चुकी हैं जनवरी 2022 दियां भी। जून दे एंड दे विच आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने दे विच की होएगा, हो सकता बच्चे नूं सितंबर इनटेक दा वीज़ा मिले, हो सकता बच्चे नूं सितंबर इनटेक दा वीज़ा ना मिले। हाई कमीशन ने बच्चे दे प्राइवेट कॉलेज दे पहले साल वाले कोर्स दे आधार ते वीज़ा देना, तो उन्दे विच की एंबेसी उह देखदी कि वीज़ा प्राइवेट कॉलेज दा रिफ्यूजल आ जांदा। तो बच्चे नूं समझना पैणा कि मैं प्राइवेट कॉलेज वाले पासे ना जावां, पब्लिक कॉलेज वाले पासे जावां। जिहड़ी तुसीं कह रहे हो दौड़ जिहड़ी सितंबर दी कि दौड़ किसी भी तरह पहुंच जाइए बंदा, उस दौड़ दे विच उही हाल होणा जो हुण तक मॉन्ट्रियल दे बच्चों दा। नुकसान की ने जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज जाता तो की नुकसान की ने? सब तो पहली गल तो है जी उनके वीज़ा के चांसिस जो 5% रह जाए। अच्छा, 95% बच्चों दी रिफ्यूजल मिलनगे। और रिफ्यूजल मिलन का बड़ा सीधा रीजन है कि जिहड़ा कोर्स अप्लाई करन जा रहे जिहड़े कॉलेज अप्लाई करन, ना उस कॉलेज की वैल्यू है ना उस कोर्स की वैल्यू है, और पढ़न तो बच्चे वर्क परमिट नहीं मिलना। और एजेंट की कर रहे हैं वो प्राइवेट कॉलेज फीस 3-4 लाख रुपए के नाम से कि तुम पैसे वीज़ा लगन तो बाद देना, स्टूडेंट तो 8-10 लाख रुपए ले रहे हैं जबकि फीस एक्चुअली जाती नहीं। तो तीनों गलों के सिर्फ और सिर्फ नुकसान बच्चे का। सस्काल तुसी देख रहे हो लुधियाना टाइम्स ते मैं हाँ सनमजीत सिंह भल्ला। लगातार कैनेडा नूं लैके बच्चों के दौड़ लगी हुई सी, रेस लगा रहे सी बच्चे कि पहला कैनेडा कौन जाएगा, पर उस तो बाद करोना महामारी एक अजिही आती है कि सारे बच्चे जिन्हों के विचकार रेस लगी होंगी सी कि मैं पहला कैनेडा पहुँचूंगा तो तू बाद जाएगा, वह सारे एको जगह अपने घर बंद रह गए और कैनेडा जाने का सुपना उन्होंने विचकार ही फिलहाल ही रह गया। पर हुण लगातार कैनेडा दी हाई कमीशन दे वल्लों हिलजुल हुंदी है, फाइलां आउंदियां ने या कोई भी खबर आउंदी है तां बच्चियां दे विच उत्साह आउंदा, पर जिहड़े बच्चियां ने हुण 12वीं कीतियां या ग्रेजुएशन करके जिन्हां ने बाहर जाना सी उन्हां दे विचकार हुण रेस लगी हुई है कि सितंबर इनटेक दे विच ही असीं बाहर जाना है, अगला इनटेक चाहे वह जनवरी होवे, मई होवे या अगले साल का सितंबर होवे उस दे विच नहीं जाना, हुण जो सितंबर इनटेक है उसे दे विच ही जाना है। पर उस दे नाल कई बच्चे अपना नुकसान भी करा रहे ने। पर सब तो पहला असी इत्ते जानकारी लवांगे कि सितंबर इनटेक फिलहाल बच्चों के वास्ते खुला है या नहीं। साडे नाल इमीग्रेशन एक्सपर्ट हनीश उप्पल जी मौजूद ने। हनीश जी, रेस आपां देखदे आम तौर पर रेसां हुंदियां ने ते जित्तण वाले नूं कोई ना कोई प्राइज़ मिलदा, ते हुण रेस जिहड़ी लगी हुई है बच्चों के विचकार कि सितंबर इनटेक असी बाहर अपनी फाइल लगा के सितंबर दे विच चल जाइए असी, पहला तो यह क्लीयर करो कि सितंबर इनटेक हुण बच्चों वास्ते खुला कॉलेजेस च जगह हैगी है बच्चों के एडमिशन लैण वास्ते? देखो इन्दे च ना सनम जी बड़ा क्लीयर है कि जिहड़ा सितंबर 2021 इनटेक चलता पाया क्योंकि नॉर्मल की है कैनेडा जिहड़ा सितंबर इनटेक है उन्हां विच 90% कॉलेज भी सीटा फुल हो गई, वो 90% कॉलेज भी सीटा वो वाले कोर्स ही फुल हुई हैं जिहड़ा मतलब हाईली डिमांड दे विच रहिंदा है। हुण जिहड़े 10% सीटा हैगियां सितंबर 2021 इनटेक दियां वह लिमिटिड कोर्सिज के नाल है जिहड़े सितंबर इनटेक लई अपलाई करना चाहते हैं। हाले भी स्टिल सितंबर 2021 दियां बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्हां दी भी सीटां ओपन है। सितंबर के नालों नाल तुसीं हैरान हो जाओगे जनवरी 2022 दी भी जिहड़ियां सीटां फिल होने शुरू हो गईयां,
10 तो 12 कॉलेज इस तरह के जिन्हों के पर्टिकुलर 2-4 कोर्स फेमस है जिन्हों में जनवरी 2022 दी फुल है। फिलहाल की घड़ी सितंबर 2021 की गल करो सीटा मिलदी पई है, हाले भी स्टूडेंट जो सितंबर 2021 ऑफर लेटर अपलाई कर रहे हैं। पर जिस तरह जे किसी बच्चे ने कंप्यूटर के कोर्स लिए जाना सितंबर इनटेक क्यों ला के बैठा कि वह पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर कॉलेज के ही वास्ते एडमिशन है ने? नहीं देखो ये हूँ मैं गल क्लीयर करा जो डिपेंड करता है कॉलेज उत्ते कोर्स उत्ते। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्हें भी सितंबर 2021 फुल हो गया जनवरी 2022 दी एडमिशन होनी है शुरू हो गई है, पर हाले भी हैगा कि सितंबर दे मान लो जो तुसीं कहने पर्टिकुलर कंप्यूटर दा 3-4 कोर्स इस तरह के जो कि हर कॉलेज भी 2-2, 3-3 कैटेगरीज दे विच है। कंप्यूटर हो गया, बिजनेस हो गया, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ग्लोबल बिजनेस मैनेज, ये सारे कोर्सेज लगभग हर एक कॉलेज को 2-2, 3-3 कैटेगरी के विच हैगे हैं। ठीक है, हाले भी स्टिल कोर्स है। एक होंगे बच्चा पर्टिकुलर एक कोर्स चाहता है कि मैं यही कोर्स मिलना चाहिए है, उस कोर्स के विच डिपेंड करता कॉलेज को सीट है कि नहीं है। अगर उन्होंने को सितंबर 2021 की सीट नहीं है तो जनवरी 2022 के विच भी अप्लाई कर सकता है। पर तुसी कह रहे हो कि बहुत घट कॉलेज ने जिन्हों के एडमिशन है, पर मार्केट के देखिए तो इश्तहार यही चलते पे ने कि सितंबर इनटेक वास्ते जिन्हें आना आ जाओ, 1-5 आ जाओ, असं तुहानू सितंबर इनटेक बाहर भेजा। देखो जिहड़ा एक जिहड़ी मार्केट दे विच ऐड है ना वो सिर्फ ऐड होंदी है क्लाइंट नूं बुलाण तक दी। एक चीज़ नूं समझण वाली गल है जिहड़ा सितंबर 2021 इनटेक दा बच्चा है, क्योंकि इस समय कैनेडा हाई कमीशन दे विच रश बहुत ज़्यादा है, पिछलियां एक साल दियां फाइलां बैसी विच पईआं, मॉन्ट्रियल दे हज़ारां बच्चों नूं लैटरां आ गईआं, हाई कमीशन उहनां दे उत्ते वर्किंग कर रहे हैं। हुण दा सीन है कि जिहड़ा भी बच्चा सितंबर 2021 इनटेक अप्लाई करे चाहे वह करे जनवरी 2021 इनटेक, हर बच्चे का प्रोसैसिंग टाइम 2-3 महीने हो जाए। इन्हों में भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, पहला वो कैटेगरी जिन्हों के बायोमैट्रिक्स होए हुए हैं, दूसरी वो कैटेगरी जिन्हों के बायोमैट्रिक्स नहीं हुए। बिल्कुल 2 दिन पहला बायोमैट्रिक्स ओपन हुए, IGDT जिहड़े बच्चे बायोमैट्रिक्स की अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं सब की अपॉइंटमेंट 15 जुलाई तो बाद दी आ रही है, यानी 25 दिन तो अपॉइंटमेंट बाद मिल रही है। अज अगर कोई बच्चा सितंबर 2021 की दौड़ अप्लाई करता भी है तो सितंबर 2021 लिए जा नहीं पाएगा क्योंकि हाई कमीशन का प्रोसैसिंग टाइम बढ़ गया। जो हाई कमीशन वीजा 20 दिन ही देता है, अब वो हाई कमीशन वीजा 3-3 महीने दे रहा है, तो बच्चों को समझना पड़ेगा सितंबर 2021 की दौड़ के विच ये ना हो कि गलत किसी एजेंट के धक्के चढ़ जाए। बिकॉज आप मॉन्ट्रियल का हाल देख लिया, आप सारा कंसैप्ट समझ गया, कैनेडा के ऐड जी होंगी है या यूके जी ऐड होंगी सिर्फ क्लाइंट को बुलाण तक की ऐड है, हकीकत कोई 2.5-3 लाख ही कैनेडा नहीं जाया जा सकता। तो बड़ा प्रैक्टिकल बच्चों को समझना पेगा उन्होंने पेरेंट्स को जिन्होंने कैनेडा का वीजा अप्लाई करना है, तुहानू एक बारी अपने आप नू क्यू दे विच खड़ा करना ही पेगा। आ जिहड़ा बच्चा सितंबर 2021 लिए अप्लाई कर रहा है वह तय मान के चले उहदा सितंबर मिस होया उहनू जनवरी जाना पैणा, जिहड़ा बच्चा 4 महीने बाद अप्लाई करेगा उहदा जनवरी मिस हो जाना मई लिए जाना पैणा, बिकॉज प्रोसैसिंग टाइम जिहड़ा है वह 2-3 महीने हो गया। तो फिर जिहड़े एजेंट बुला रहे ने बच्चों नू कि तुसीं आओ सानू सितंबर इनटेक भेजदे आ, वो किस तरह ये सारे की चक्कर की है सारा ये? देखो सनम जी, इन्हें चक्कर बड़ा क्लीयर है कि जिहड़ा इस समय कैनेडा दे पोजीशन है, क्योंकि मार्केट विच की है कि लिमिटेड बच्चे हैं बाहर जाने वाले, जिन्ने बच्चे हैं उस तो ज़्यादा एजेंट होने हैं। हुण अगर एजेंट नूं क्यों होंदा कि अपनी एक अलग तो कोई ऐड इस तरह चलाओ जिहड़ी ऐड मार्केट विच बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करे, बहुत ज़्यादा पबलिसिटी दे। हुण हो की रहा जिहड़ा सितंबर 2021 इनटेक है उस इनटेक विच नॉर्मली बच्चा वो रह गया जिहड़े बच्चे दे 1-5 है, 2-5 है, जिहड़ा 6 ईच वाला बच्चा है, जिहड़ा 7 बैंड वाला बच्चा है उन्हें अपनी ऑफर लेटर मंगा के वीज़ा अप्लाई करके बायोमेट्रिक्स करा के सब कंप्लीट रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। हुण मार्केट विच वो बच्चे बैठे हैं जिन्हां दे 1-5 है, 2-5 है, किसी ऑलरेडी एजेंट को ऑफर लेटर अप्लाई की थी, उन्हें 2.5-3 महीने बच्चे दे खराब किए, वो हुण कागज़ वापस कर रहे हैं। हुण वो जिहड़े बच्चों नूं फड़न वास्ते एजेंट्स ने यह प्रमोशन शुरू करती कि साढ़े को सितंबर 2021 इनटेक की ऑफर लेटर अप्लाई करो, कोई कह रहा है 24 घंटे मिल जाएगी, कोई कहता 48 घंटे मिल जाएगी। वो ऑफर लेटर आपां ऑफर लेटर तो वीज़ा नहीं है ना, ऑफर लेटर तो कॉलेज ने दे ही देनी है। बिल्कुल, पर 2-3 चीज़ा उन्हें बच्चे को समझ नहीं पैनी कि जे क्या जो सितंबर 2021 इनटेक की ऑफर लेटर की गल कर रहा है, क्या बच्चे कॉलेज प्राइवेट मिल रहा कि पब्लिक कॉलेज मिल रहा है, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ एजेंट को जाके एक ही सवाल पूछता है कि मेरे कॉलेज को DLI है, DLI दे मुद्दा नहीं, मुद्दा है कि कॉलेज पब्लिक है कि प्राइवेट है। और पब्लिक प्राइवेट दे विच कशमकश भी बच्चा फस जाता है। पब्लिक ते प्राइवेट कॉलेजेस च फर्क की है? जे बच्चा पब्लिक च जावे तो उन्नू की उत्थे कहे जा ट्रीटमेंट हुंदा, जे प्राइवेट च जांदा तो की उन्नू उत्थे फैसिलिटीआं ते ट्रीटमेंट मिलदा? देखो 2 तरह की कैटेगरी है, पहला वो कॉलेजेस है जिन्हां विच पढ़न तो बाद वर्क परमिट मिलदा, दूसरी कैटेगरी उन्हां कॉलेजां दी जिन्हां विच पढ़न तो वर्क परमिट नहीं मिलदा।
वो जिहड़े प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्हें वर्क परमिट नहीं मिलता उन्हां विच भी बहुत सारे कॉलेजेस ने फर्दर किसी सरकारी कॉलेज नाल टाई अप कर लिया। अच्छा, वो कहिंदे एक साल मेरे कोल पढ़ो अगले साल तुसीं सरकारी कॉलेज पढ़न जाओ। मुद्दा यह कि जिहड़ा अंबैसी ने वीज़ा देना है बच्चे नूं पहले जिहड़ा साल का प्राइवेट कॉलेज कोर्स है उस आधार ते देना है, बिकॉज सैकेंड ईयर की ऑफर लैटर नहीं मिलती बच्चे नूं, बच्चे इहदे च फसदे हैं। गुमराह करन दा तरीका की है कि जिहड़ा पहला कॉलेज है जिहड़े आपां प्राइवेट कॉलेज गल करां उस प्राइवेट कॉलेज बच्चे नूं एक साल का कोर्स मिलता है, बिल्कुल अगले साल उन्होंने पब्लिक कॉलेज पढ़ना है। अगर बच्चा पहले साल पास नहीं होंदा उन्होंने सैकेंड ईयर एडमिशन नहीं मिलेगी, तो सैकेंड ईयर वाला जिहड़ा कोर्स है जिहड़ा पब्लिक कोर्स जिस दे बेस ते बच्चे नूं वर्क परमिट मिलना है उस ऑफर लैटर नूं सरकारी कॉलेज वालों नहीं दिती जांदी। उन्हूं की कहा जांदा, उन्हूं कहिंदा एक साल तू पढ़, अगर तू पहला साल पास आउट करेगा तां तू दूजे साल पब्लिक कॉलेज जाएगा। हाई कमीशन ने बच्चे दे प्राइवेट कॉलेज दे पहले साल वाले कोर्स आधार ते वीज़ा देना, तो उन्दे विच की है अंबैसी वो देखदी कि वीज़ा प्राइवेट कॉलेज का रिफ्यूजल आ जाती है, तो बच्चे नूं समझना पैना कि मैं प्राइवेट कॉलेज वाले पासे ना जावां पब्लिक कॉलेज पासे जावां। जिहड़ी तुसीं कह रहे हो दौड़ जिहड़ी सितंबर दी कि दौड़ किसी भी तरह पहुंच जाइए बंदा, उस दौड़ दे विच ओही हाल होना है जो हुण तक मॉन्ट्रियल दे बच्चों दा। नुकसान की ने जे बच्चा प्राइवेट कॉलेज जांदा तां की नुकसान की ने? सब तो पहली गल तां इह जी उन्दे विच वीज़ा दे चांसिस जिहड़े 5% रह जाणगे। अच्छा, 95% बच्चों दी रिफ्यूजल मिलणगियां। और रिफ्यूजल मिलन का बड़ा सीधा रीजन है कि जिहड़ा कोर्स अपलाई करन जा रहे जिहड़े कॉलेज अपलाई करन ना उस कॉलेज की वैल्यू है ना उस कोर्स की वैल्यू है और पढ़न तो बच्चे वर्क परमिट नहीं मिलना। अच्छा, तो हाई कमीशन क्लीयर हो जाता है कि बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ कैनेडा लैंड करना, इन्हें पढ़ना नहीं है। एक तो पहला नुकसान तो यही है। दूसरा नुकसान ये है कि जिहड़े बच्चे अगर मान लो वीज़ा लग भी जाता है तो उन्होंने बच्चों का फ्यूचर ही कुछ नहीं है। फ्यूचर का मतलब यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़न तो बाद वर्क परमिट नहीं मिलना, उन्होंने कॉलेज हफ्ते के 2 दिन होंगे, हो सकता उन्होंने कॉलेज भी ना कॉलेज वाले बुला भी कहने बिना पढ़े तुम पैसे पास हो सकते हो, तो यह सब जी खामियां है बच्चे उत्थे भुगतनिया पैणगियां। तीसरा सब तो बड़ा रीजन है कि जिन्हें भी प्राइवेट कॉलेज उन्होंने फीस ट्रांसफर होंगी नहीं, फीस जाती नहीं कॉलेज। अज तुम क्या कि मॉन्ट्रियल के बच्चों लैटर आने लग गई, वो लैटर ही सब तो पहला भी एक वाला रीजन लिखा, तुम दसो कि पैसा कितों आया कितने ट्रांसफर किया और एजेंट की कर रहा है वो प्राइवेट कॉलेज फीस 3-4 लाख रुपए के नाम से कि तुम पैसे वीज़ा लगन तो बाद देना है, स्टूडेंट तो 8-10 लाख रुपए ले रहे हैं जबकि फीस एक्चुअली जाती नहीं। तो तीनों गलों के सिर्फ और सिर्फ नुकसान बच्चे का, एजेंट नू सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होना है। तो बच्चा की कर रहा है, 1 च 5.5 वाला बच्चा खास कर या 2 च 5.5 वाला बच्चा कि वह बच्चा सिर्फ सितंबर इनटेक की दौड़ के अपना केस गलत हत्था दे रहा है, गलत कॉलेज अपलाई कर रहा है, जिस दे नाल क्या होगा जो एक बार फस जाएगा एजेंट उन्हें को फंडा के नाम से पैसे लेगा, एडवांस कंसल्टेंसी के नाम से पैसे लेगा, अंबैसी फीस के नाम से पैसे लेगा, GIC भरवाएगा, वीज़ा अपलाई करेगा, वीज़ा नहीं लगना। तो बच्चों को बैटर ऑप्शन तो यही है कि सितंबर इनटेक अगर नहीं तो पब्लिक कॉलेज मिलता पाया तुसी सितंबर 2021 इनटेक छड़ के जनवरी 2022 लिए भी एडमिशन करा सकते हो। तो हूँ मतलब जनवरी 2022 के वास्ते सीटा है कॉलेज सारे खुले ने कि उत्थे भी रश पूरा पिया होया इस समय? नहीं देखो, इस समय जनवरी 2022 दी ऑलमोस्ट सारे कॉलेज ओपन है, जनवरी 2022 दी एडमिशन होनी शुरू हो गई, सानू घट तो घट 40-50 ऑफर लेटर्स हूँ तक आ चुकी हैं जनवरी 2022 दी भी। अगेन जिहड़ा बच्चे लगता है कि मैं सितंबर 2021 लिए एडमिशन मिल सकती है चंगे पब्लिक कॉलेज, वो कॉलेज जिंदे विच उनका पढ़ने का इंट्रस्ट है, वो कोर्स जिंदे विच पढ़ना चाहता है, अगर उस कॉलेज या उस कोर्स से उन्हें एडमिशन मिलती है डेफिनेटली उस सितंबर 2021 इनटेक लिए अपलाई करे, अदरवाइज जनवरी 2022 लिए भी अपलाई कर सकता। जनवरी 2022 के भी जो बच्चे हैं उन्हों का भी रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। तुम कि बच्चों को सलाह दोगे कि सितंबर के जनवरी 2022 च जाए? नहीं, तुम्हें क्लीयर करता जो बच्चे का मान लो लगता पाया कि मेरा कोर्स सितंबर 2021 लिए मिलता पे है सितंबर 2021 लिए अपलाई करे, जिहड़ा बच्चे नूं लगता है कि मेरे बैंड घट है और मेरे 2 च 5.5 बैंड है वो पेपर द्वारा दे, जिहड़ा बच्चा नूं ये लगता है कि मेरे 1 च 5.5 बैंड और पहली बार एग्जाम दिता, कई बार होंदा है बच्चा पहली बार एग्जाम दिंदा नहीं आंदे स्कोर, तो जिहड़े बच्चों के ओवरऑल 6 है 1 मिनट च 5.5 बैंड है ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है या तुसी लगता है तुसी पहली बार एग्जाम दिता तुसी दोबारा आईलेट्स एग्जाम दो, तुसी जनवरी 2022 लिए अपलाई कर सकते हो। बट अगेन सितंबर वाला बच्चा जिहड़ा भी हुण अपलाई करन जा रहा है अपने माइंड विच बिल्कुल क्लीयर रखना, हो सकता तो आनू एन मूवमेंट आ गए सितंबर इनटेक तो बाद जनवरी ऐसे डेफर करना पेगा, क्योंकि बड़ा क्लीयर रीजन है कि हाई कमीशन जो प्रोसैसिंग टाइम है वो 2-3 महीने का ऑलरेडी कर चुका है। आज उस टाइम बच्चों के बायोमेट्रिक्स भी होने हैं, बच्चों के मेडिकल भी होने हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस भी जानी है, GIC भी खोलना है, GIC भी पे होना है, ये सारी गल्ला आधार बना के 3 महीने अज आप जून के एंड के आ गए, जुलाई अगस्त सितंबर
तो तीन महीने के विच की होएगा, हो सकता बच्चे नूं सितंबर इंटेक का वीज़ा मिले, हो सकता बच्चे नूं सितंबर इंटेक का वीज़ा ना मिले। दूसरी एक होर भी चीज़ है सनम जी, जिहड़ा बच्चा भी सितंबर 2021 का अप्लाई कर रहा है, हुण जिहड़ा बच्चा ऑफर लेटर अप्लाई कर रहा है, नालों नाल अपने कंसल्टेंट नाल जरूर डिस्कस करे कि अगर कल नूं मेरा किसी रीजन ते सितंबर नहीं हुंदा, क्या मैनूं कॉलेज जनवरी 2022 का डेफरमेंट देगा। बिकॉज रीजन की है, सितंबर एक बहुत वड्डा इंटेक सीगा, और जिहड़े बच्चे जिस कोर्स लई अप्लाई करके हटे हैं, अगर वह कोर्स उन्होंने जनवरी च नहीं होएगा तो कॉलेज वालों उनका कोर्स चेंज कर दिता जाएगा, जिस चेंज करन दे नाल बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जिहड़े भी बच्चे सितंबर 2021 लई अप्लाई कर रहे हैं, नालों नाल अपने कंसल्टेंट तो कन्फर्म करो कि मेरी जिहड़ी कोर्स एनरोल होने की लास्ट डेट कदों है। अगर उस एनरोलमेंट तक बच्चे का वीज़ा नहीं आता तो क्या वो वाला पर्टिकुलर कोर्स आपको जनवरी भी मिलेगा, उनकी की इंश्योरेंस है मिलेगा, बिकॉज कितने कितने ये चीज़ों के नाल बच्चे का रिफ्यूजल का सामना करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह साढ़े नाल विजन ग्रुप तो हनीश उपल जी, जिन्हों नाल आपां गल कीती है, तो इन्होंने कहा कि बच्चे सितंबर इनटेक की दौड़ दे विच ना रहन, जेकर उन्होंने उन्हों का मनपसंद कोर्स अते पब्लिक फंडड सरकारी कॉलेज जेकर कैनेडा का मिलता तो ही वो सितंबर इनटेक लई अपनी फाइल प्रोसैस कर, प्राइवेट कॉलेजों के चक्करों के बच्चे ना पैन। भी नाल इन्होंने दसिया कि सितंबर इनटेक भी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, हो सकता है कि एंड मूवमेंट से उन्होंने अपना इनटेक डेफर करके जनवरी ही कराना पवे। तो यह सब चीज़ा ध्यान रखे, तुम अपनी फाइल अप्लाई करो, क्योंकि कोई छोटी मोटी गल नहीं हैगी, लखां रुपये तुहाडे इस कैनेडा के सपने नूं पूरा करन दे लगते हैं। तो वधेरे अपडेट्स से सानू जुड़े रहो, कैमरामैन सतन मठाड़ू के नाल सनमजीत सिंह पल्ला, लुधियाना।